स्वागत है दोस्तों आप सभी का एके इंडिया में। दोस्तों यह है बिहार करंट अफेयर की पार्ट वन, जहां पर दोस्तों आप लोगों को 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर शेयर किए जाएंगे जो कि 2019 के इवेंट से लिए गए हैं, जो कि बिहार में हुए हैं 2019 के महत्वपूर्ण इवेंट, उससे ये क्वेश्चन बनाए गए हैं। बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। आप अगर एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग एक रिवीजन के तौर पे इसे देख सकते हैं, या कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पर 10 नंबर से ज़्यादा प्रश्न आपके करंट अफेयर से पूछे जाएंगे, तो आपके लिए ये लेसन काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, तो आप लोग इसे देखते रहिएगा। और मैं आप लोगों को बताऊँगा आगे वीडियो में आपको PDFs कहाँ से डाउनलोड करने हैं और कैसे डाउनलोड करने हैं, ठीक है। और हाँ दोस्तों, वीडियो के लास्ट में आप सभी से इसी PDF के रिलेटेड एक क्वेश्चन भी मैं पूछूंगा, जिसका जवाब आप लोगों को देना है कमेंट सेक्शन में। जो क्वेश्चन का सही जवाब देंगे उनको PDF मटेरियल दोस्तों लगभग 1.5 GB की PDF मटेरियल जो है बिल्कुल फ्री में मिलेगा किसी एक विजेताओं को, ठीक है। तो आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर देना है नीचे कमेंट सेक्शन में। और हाँ, PDF डाउनलोड करने के लिए आप www.akindiajob.com पे जाकर के इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों कि तीसरा बिहार स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2019 का आयोजन कब किया गया। ऑप्शन है 18 मार्च, 16 मार्च, 17 मार्च, 20 मार्च। अगर आप लोगों को इसका जवाब ही पता हो दोस्तों तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर भी बता सकते हैं, ठीक है। अगर इसकी सही जवाब की बात करें दोस्तों कि तीसरा बिहार स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2019 का आयोजन जो था दोस्तों कब किया गया था, तो 16 मार्च 2019 को किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे पास कि एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कौन सा अनुमंडल राजस्व वसूली के मामले में प्रथम स्थान पर रहा है। यहाँ पर दोस्तों अनुमंडल की बात किया जा रहा है, तो कौन सा अनुमंडल है, पटना सदर, मुजफ्फरपुर सदर, या बेगूसराय सदर, या मुंगेर सदर। आप लोगों को इसका सही जवाब बताना है दोस्तों। अगर मैं बात करूँ दोस्तों अनुमंडल जो कि राजस्व वसूली करने के मामले में प्रथम स्थान पर रहा है वो है पटना सदर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तीसरा प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में बिहार के किस जिले में अवस्थित सकास गांव में उत्खनन के दौरान नवपाषाणकालीन अवशेष मिले हैं। देखो काफी महत्वपूर्ण सवाल होगा ये आपके एग्जामिनेशन के लिए, और रिसेंटली ये हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों ये रोहतास में हुआ, रोहतास जिले में जो सकास गांव थी वहां उत्खनन के दौरान नवपाषाणकालीन अवशेष यहां पर मिले हैं। अब देखो दोस्तों, मैं आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। और आप लोगों को इस वीडियो को लास्ट तक देखना अगर आप सीरियस है अपने एग्जामिनेशन को लेकर के। PDFs के दोस्तों मैं बता दूँ तो PDF आप लोगों को कहाँ से डाउनलोड करना है, तो PDF डाउनलोड करने के लिए दोस्तों आपको गूगल पर टाइप करना है क्या, www.akindiajob.com। मैं दिन में 2-3 पोस्ट यहाँ पर आप लोगों के लिए डाल देता हूँ जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होता है, आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो आपको रोज़ कम से कम एक बार सुबह में और एक बार शाम में गूगल पे सर्च करना है www.akindiajob.com, और इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद दोस्तों आप लोगों को वहां से अपने जो क्वेश्चन आंसर है उसे रिवीजन करते रहना है, ताकि आप लोगों की एग्जामिनेशन की तैयारी चलते रहे और आपकी तैयारी जो है बिल्कुल कभी ना रुके किसी भी कारणवश से। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में बिहार के किस जिले में डिवाइस लगे एक विदेशी पक्षी को स्थानीय लोगों ने मार गिराया है। ऑप्शन एक है नालंदा, आरा, रोहतास, वैशाली। इसका सही जवाब क्या होगा, तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, वैशाली। जी हाँ दोस्तों, वैशाली में हाल ही में एक विदेशी पक्षी को स्थानीय लोगों ने मार गिराया है, और इसलिए मार गिराया था क्योंकि इस पक्षी में एक डिवाइस लगा हुआ था जो कि वो कैमरा उसमें उसको कह सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बिहार के किस अस्पताल में पहली बार 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध होगी। ऑप्शन है कि IGMS पटना में, या NMCH पटना में, एम्स पटना में, या PMCH पटना में। कौन से हॉस्पिटल में ये जो सुविधा है वो दिया गया है दोस्तों। इसका हम सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी होगा, PMCH पटना में। जी हाँ दोस्तों, PMCH पटना में 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा जो है उपलब्ध अब होगी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 17वीं लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार में कहाँ महिला कर्मचारी से युक्त 2 सखी मतदान केंद्र बनाया गया था। यहाँ देखो दोस्तों, यहाँ सिर्फ ये जो सखी मतदान केंद्र था यहाँ सिर्फ महिला कर्मचारी ही थी, तो वो बिहार के कौन से लोकसभा चुनाव के दौरान हुआ था, मतलब कौन से लोकसभा के में हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि 17वीं लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार में कहाँ केवल महिला कर्मचारियों से युक्त 2 सखी मतदान केंद्र बनाया गया था। ऑप्शन एक है सहरसा, नवादा, नालंदा, या बार। इसका सही जवाब आप लोग बता सकते हैं कमेंट में अगर आपको पता है।
महिला सखी कर्मचारी यहाँ कर्मचारी युक्त दो सखी मतदान केंद्र बनाने का मतलब ये है दोस्तों कि जो मतदान केंद्र बनाया गया था सिर्फ वहाँ महिला कर्मचारी ही थी, और वो बिहार के किस जिले में बनाई गई थी दोस्तों? इसका अगर सही जवाब की हम बात करें तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बाढ़ में। यहाँ दोस्तों बाढ़ में दो मतदान केंद्र बनाए गए थे जहाँ सिर्फ महिला कर्मचारी ही काम कर रही थी। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बिहार में सरकारी वाहनों के जरिए सरकारी सब्जियां पटना में किस ब्रांड नाम से बेची जाएगी? ऑप्शन एक तरकारी, सब्जी, खुशहाल किसान या सस्ती सब्जी। देखो काफी यहाँ पर प्रचलित रहा था दोस्तों ये घटना बिहार के लिए। अब ये बताना है दोस्तों कि ये जो पटना में जो सब्जी बेचने का काम चल रहा था वो किस ब्रांड के नाम से चल रही थी, ये बताना है। तो देखो दोस्तों इसका सही जवाब होगा तरकारी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। और तरकारी के नाम से एक ट्रेन भी है जिसे तरकारी एक्सप्रेस कहा जाता है। ठीक है, और हाल फिलहाल में घटना में भी हुआ था, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा तरकारी। ठीक है, बिहार में सरकारी वाहनों के जरिए सरकारी सब्जियां पटना के किस ब्रांड के नाम से जानी बेची जाएगी? तो तरकारी के नाम से। ठीक है, अगला प्रश्न है कि साख अनुपात के मामले में बिहार का कौन सा स्थान है? अब देखो साख जमा अनुपात के मामले में बिहार की स्थान पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों आपके एसआई एग्जाम के लिए प्रश्न। ठीक है, ऑप्शन है कि 14वां, 7वां, 28वां और 21वां। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसके सही जवाब की बात करें तो साख जमा अनुपात में जो बिहार है वो 28वां राज्य है। ठीक है, साख जमा अनुपात में, और पहले नंबर पर दोस्तों आपकी महाराष्ट्र है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, अगला प्रश्न है कि आयकर विभाग द्वारा आयकर के किस धारा के तहत पटना के 2500 से अधिक जमीन मालिकों को 20 से 25 लाख रुपए के जुर्माना लगाया गया है? अब ये किस धारा के अंतर्गत हुआ है? और धारा 39, धारा 41, धारा 43, धारा 45। इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं, धारा 45 के तहत आयकर विभाग द्वारा आयकर के ये जो धारा 45 है इसके तहत पटना में 2500 से अधिक जमीन मालिकों को 20 से 25 लाख रुपए की जुर्माना जो था वो ठोका गया था। अगला प्रश्न है कि जैविक खेती के लिए गंगा किनारे के कितने जिलों का चयन किया गया? अब देखो दोस्तों जैविक खेती करने के लिए आप गंगा के किनारे जो दियरा इलाका है कितने जिलों का यहाँ चयन किया गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 9 जिलों को यहाँ पर चयन किया गया है। किसके लिए? जैविक खेती करने के लिए, जितने भी गंगा किनारे के 9 जिले थे। अगला प्रश्न दोस्तों कि पहेली की सहेली, देखो दोस्तों काफी महत्वपूर्ण सवाल होगा, पहेली की सहेली नाम से किस राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में कक्षाएं चलाई जाने लगी है? देखो दोस्तों यहाँ पर पहेली की सहेली नाम से किस राज्य में माध्यमिक विद्यालयों की कक्षाएं चलाई जानी है? तो दोस्तों ये हम बात करें यहाँ पर बिहार की दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या होगा? काफी इजी सवाल है, ऑप्शन नंबर बी, बिहार। ठीक है, अगला प्रश्न है स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में पटना का कौन सा स्थान रहा है? पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ, इंडिया में पटना का कौन सा स्थान रहा है स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में? तो दोस्तों इसके सही जवाब की बात करें तो ये 318वां रैंक पे रहा है पटना। ठीक है, जो कि काफी घटिया रैंकिंग है पटना के लिए। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि चौसा में, यानी चौसा बक्सर में जो पड़ता है, में स्थित स्थापित होने वाले थर्मल पावर प्लांट का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? अब देखो दोस्तों आपको इस क्वेश्चन से एक और पॉइंट याद रखना है कि जो अभी थर्मल पावर प्लांट के शिलान्यास किया गया है रिसेंटली में, वो कहाँ किया गया है? तो चौसा में। चौसा कहाँ है? बक्सर में। तो ये किसके द्वारा किया गया है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के द्वारा? तो दोस्तों इसकी सही जवाब की बात करें तो प्रधानमंत्री ने चौसा में स्थित थर्मल पावर प्लांट का शिलान्यास जो है वो किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बिहार के किस स्थान पर 120 मीटर ऊंचा बापू टावर का निर्माण किया जा रहा है? दोस्तों किस टावर का निर्माण? तो बापू टावर का निर्माण किया जा रहा है, उसकी ऊंचाई कितनी है? 120 मीटर। वो कहां किया जा रहा है? दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना या भागलपुर? इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसके सही जवाब की हम बात करें तो बापू टावर का निर्माण दोस्तों पटना में किया जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पटना। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि 28 फरवरी 2019 के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा किन की कविता संग्रह जिले जरा का विमोचन किया गया? अब देखो ये पुस्तक से संबंधित प्रश्न है तो ये भी आपको याद रखना है। 28 फरवरी 2019 के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा किनकी कविता संग्रह जिले जरा का विमोचन किया गया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा पुलिस उप महानिरीक्षक राजेश कुमार का ये पुस्तक लिखा गया था, कविता संग्रह था वो जिले जरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पुलिस महानिरीक्षक राजेश कुमार का पुस्तक जो था, जो कविता था, उसका जो विमोचन किया गया था। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री वृद्धजल पेंशन योजना से बिहार के लगभग कितने लोग लाभान्वित होंगे? अब देखो दोस्तों यहाँ पर वृद्धजल पेंशन योजना
कितने लोग यहाँ लाभान्वित होंगे उसके बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा लगभग 35 लाख लोग जो है वृद्धजन पेंशन योजना से बिहार में लाभान्वित होंगे। ठीक है, देखो दोस्तों इसके पीडीएफ्स आप लोगों को वेबसाइट पे मिल जाएगा, www.akindiajob.com की ऑफिशियल वेबसाइट पे। आप इस वेबसाइट का नाम दोस्तों गूगल पे टाइप कीजिएगा और आप लोग इसके वेबसाइट पे आ जाइएगा। उसके बाद आप यहाँ से इसके पीडीएफ्स डाउनलोड कर पाइएगा, सारे क्वेश्चन का आंसर और एक्सप्लेनेशन आपको दोनों वहां मिल जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों को भुगतान का शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा कब किया गया। अब देखो दोस्तों अभी यहाँ पर मैंने आपको बताया कि कितने लोगों को यहाँ पर वृद्धजन पेंशन योजना से लाभान्वित होंगे, तो 35 लाख। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कब से इनको लाभान्वित जो है शुभारंभ कर दिया गया था। तो दोस्तों इसकी सही जवाब होगी 14 जून 2019। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पटना हेतु मेट्रो रेल परियोजना की मंजूरी कब प्रदान की गई। काफी महत्वपूर्ण सवाल होगा। पटना जो रेल मेट्रो है दोस्तों, जो रेल परियोजना है उसकी मंजूरी प्रदान करने की जो तिथि थी महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जामिनेशन के लिए, वो 13 फरवरी 2019 को दी गई थी। ये महत्वपूर्ण सवाल है आपके SI पेपर के लिए, आपके कॉन्स्टेबल एग्जाम में पूछे जा सकने वाले में से एक बहुत ही VVI प्रश्न है। ठीक है, तो 13 फरवरी 2019 आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पटना मेट्रो रेल परियोजना कितने वर्षों में पूरी की जाएगी। ऑप्शन एक है 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष या 10 वर्ष, कितने वर्षों में इसे कंप्लीट कर लेना है। तो दोस्तों इसे 5 वर्षों में पटना मेट्रो रेल परियोजना को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेना है। अगला प्रश्न है कि सेफ सिटी सर्विलेंस योजना के तहत महिला सुरक्षा के दृष्टिगत के गली मोहल्ले में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे किस जिले में। सेफ सिटी सर्विलेंस योजना के तहत, ये जो सेफ सिटी सर्विलेंस योजना है के तहत महिला सुरक्षा के दृष्टिगत के गली मोहल्ले में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे किस डिस्ट्रिक्ट में, ऐसा हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें तो ये पटना में हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि बिहार के आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में कृषि क्षेत्र में कौन सा जिला है। ठीक है, भागलपुर, जमुई, रोहतास या सहरसा, इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब जमुई होगा दोस्तों। बिहार के आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में जो कृषि क्षेत्र में जो जिला है वो जमुई है। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस उद्यान में 3D थिएटर का शुभारंभ किया गया है। ऑप्शन एक है दोस्तों आपकी कांवर पक्षी विहार, संजय गांधी जैविक उद्यान, बुद्धा पार्क पटना या वाल्मीकि नगर वन्य जीव अभयारण्य, इसका सही जवाब क्या होगा। जहां 3D थिएटर का शुभारंभ जो है वो किया जा रहा है, इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बुद्धा पार्क पटना। ठीक है, यहाँ 3D थिएटर का शुभारंभ यहाँ पर किया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि बिहार के में किस बैंक की शाखाएं 25 शाखाएं बंद होने वाली है। बिहार के किस बैंक में, ऑप्शन ए के बैंक ऑफ इंडिया, PNB, SBI या बैंक ऑफ बड़ौदा, इसका सही जवाब क्या होगा। दोस्तों इसकी सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी बैंक ऑफ बड़ौदा होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा की 25 शाखाएं जो है वो बिहार में बंद हो रही है। अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार ने अपनी राजकीय पक्षी गौरैया के नाम से क्या बनाया है। एक ईमेल ID, एक मोबाइल ऐप, एक रेडियो चैनल या एक TV चैनल। गौरैया जो कि बिहार का राजकीय पक्षी है, ये आपको याद रखना है। बिहार का राजकीय पक्षी कौन है, तो गौरैया, इसके नाम से क्या बनाया गया है बिहार में। तो दोस्तों इसके नाम से बिहार में जो बनाया गया है वो है एक मोबाइल ऐप। बिहार सरकार ने एक मोबाइल ऐप बनाया है राजकीय पक्षी गौरैया के नाम से। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में कि बिहार सरकार ने 2018-19 के दौरान केंद्र से मिले कितने राशियों का उपयोग किया है। ऑप्शन एक है 90% से अधिक, 60% से अधिक, 70% से अधिक और 80% से अधिक, इसका सही जवाब क्या होगा। दोस्तों अगर एक रिपोर्ट के अनुसार हम बात करें तो बिहार सरकार ने 2018-19 के दौरान केंद्र से मिले लगभग 90% राशि से, 90% से भी ज्यादा राशि का यहाँ पर उपयोग कर चुकी है। बढ़ते दोस्तों अपने क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। आज का क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पटना हेतु मेट्रो रेल परियोजना की मंजूरी कब प्रदान की गई थी। ऑप्शन ए के 7 फरवरी 2019, 9 फरवरी 2019, 11 फरवरी 2019 या 13 फरवरी 2019। कमेंट सेक्शन में जाना है दोस्तों और इसका सही जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन काफी ज्यादा मिलता है और आप लोगों के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियोस लेकर के आते रहूंगा। और चैनल पर पहली बार आए तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना है।
मिलते हैं आपसे फिर से अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, जय हिंद, वंदे मातरम।